नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं नितिन शर्मा, हम इस समय मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां हम व्यापारी की दुकान पर पहुंचे हैं। आज सरसों के भाव को लेकर हम उनसे जानेंगे कि आज सरसों के क्या भाव हैं, कल कितने भाव थे, कल कितने कट्टे मंडी में सरसों के आए थे, आज कितने कट्टे मंडी में सरसों के आए हैं। हमारे साथ में व्यापारी है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार गुप्ता है। सर, बताइए कि आज सरसों के कितने कट्टे आए, क्या भाव है? देखो, आज त्यौहार की वजह से सरसों के कट्टे लगभग आमद 15,000 कट्टे की है, और कुछ बाजारों में उतार चढ़ाव चल रहा है। तेजी मंदी बड़ी स्पीड से चल रही है। कल के बनिस्पत आज 50 रुपये का मंदा है बाजारों में, तो इसलिए व्यापार ज़्यादा नहीं हो रहा। कुछ के आज त्यौहार की वजह से लेबर, हम लोगों की लेबर भी चली गई है, तो इसलिए आज आमदनी कुछ कम रही है। शायद मंगलवार को ही आमदनी काफ़ी हद तक बढ़िया रहे। और भाव में विदेशी तेलों ने हमारे मार्केट को, हमारी मिलों को बड़ा डंप कर रखा है। वो एक अलग पैटर्न पे चलते हैं और हम एक अलग पैटर्न पे चलते हैं, लेकिन निकट भविष्य में इसमें कोई बहुत बड़ी मंदी आने का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। बाजार स्थिर होंगे, ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये कोई निकल जाए तो निकल जाए, इससे ज्यादा सरसों में पैसे नहीं निकलेंगे। आगे क्या भाव सरसों के रहने वाले हैं होली के बाद? देखो, होली के बाद कोई अभी इसमें कोई रिसेंटली बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं है, ऐसा नहीं लगता। चुनाव से पहले इसमें कोई एक तेजी या बहुत बड़ी मंदी आए, बाजार स्थिर रहेंगे। बाजार नीचे में 5,000 बढ़ जाएंगे, ऊपर में 5,200 रुपये, इससे अभी कोई लेख था नहीं। चुनाव के बाद राजनीति गद्दी पे कौन बैठता है, उसकी क्या नीतियाँ होंगी, वो विदेशी बाजारों को किस ढंग से अफोर्ड करेगा, उस पर आधारित रहेगी। सर, किस तरह की क्वालिटी सरसों की देखी जा रही है? नहीं, क्वालिटी इस बार बहुत बढ़िया है। कहाँ से सरसों आ रही है? हमारे यहाँ पश्चिम राजस्थान से आ रही है सरसों, लोकल बेल्टों से भी सारी आ रही है, और क्वालिटी में कहीं कोई क्लेम इस साल नहीं है, ना तेलों में क्लेम है ना क्वालिटी में कोई क्लेम है। किस तरह का क्वालिटी का तेल तैयार हो रहा है इसमें? नहीं, बेस्ट क्वालिटी का 9FF का तेल तैयार होता है, जिसमें हमारे एक्चुअल में मैं एक मिलर भी हूँ, और हम लोग पिछले साल के बनस्पत, जो पिछले साल हम परेशान थे आरजीमोन से, एफएफए से। एफएफ मतलब एक साल्ट होता है जो जहरीला तत्व जिसको बोलते हैं, या कलर खराब हो जाता है जिससे, वो सरसों में था, लेकिन इस साल इस तरह की कोई परेशानी हमारे साथ नहीं है। तो पिछले साल क्या भाव मिले थे किसानों को सरसों के? पिछले साल भाव लगभग नीचे में हमारे यहाँ सीजन में यही भाव थे 5,051, उसके बाद ये 5,600 भी किए, 5,657, और नीचे में 4,849, इससे ज्यादा कलेक्शन नहीं आया सरसों में। तो अभी क्या बोलते हैं, जो कौन कौन सी मिलों में जा रही है सरसों यहाँ से? लगभग सभी जो भी प्लांट है सब लग चले हुए हैं। हाँ, छोटे बड़े सभी प्लांट इस टाइम चले हुए हैं, पर यह है कि बल्क क्वांटिटी में नहीं चल रहे, फुल कैपेसिटी में नहीं चल रहे अभी। फुल कैपेसिटी ऐसा लगता है कि एक तीन मेन रीजन है नहीं चलने के, ये तो क्लोजिंग, एक ये MSME की नई जो सिस्टम गवर्नमेंट का है, लोग ये समझ रहे हैं, मिलर्स ये समझ रहे हैं कि भाई ये MSME है क्या। दूसरी, अप्रैल में क्लोजिंग टाइम में लोग थोड़े से अपना वर्किंग पे ध्यान देते हैं, ना कि अपने मार्केट वे पे। हमारे साथ में व्यापारी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि लगातार सरसों की आवक हो रही है, यहाँ से मिलों में जो है सरसों जा रही है। लेकिन अभी क्या है कि होली का त्योहार है, जो मंडी में काम करने वाले जो कारीगर हैं वो लोग यहाँ से गए हैं, और होली के बाद जब वो लौटेंगे, जब और भी ज्यादा क्या बोलते हैं यहाँ मंडी के अंदर सरसों की आवक होगी, और उसके बाद में यहाँ से जो माल पैक होके मिलों में जाएगा, तेल तैयार होगा, और लोगों को अच्छी क्वालिटी का, गुणवत्ता का तेल मिलेगा। वहीं अभी जो सरसों के भाव है, लगातार उतार चढ़ाव जो है वो देखा जा रहा है, लेकिन कुछ सरसों के अंदर नमी भी देखी जा रही है, लेकिन नमी जो है वो तो दूर इसलिए की जा रही है कि क्योंकि मंडी में जब किसान सरसों लेकर आता है तो नमी होती है, तो उसको क्या है कि सुखा दिया जाता है धूप के अंदर, उसके बाद में फिर शाम को उसकी उसको तुलाई करने के बाद में फिर उसकी उसको फिर सीधा मिल में भेजा जाता है। नितिन शर्मा, अब भी नहीं बढ़ेंगे होली के बाद, नहीं 2 महीने बाद कम से कम। जो सरसों आ रही है उसके अंदर जो तिल का खल का, इसमें कितना डिफरेंट देखने को मिला, तेल अच्छा निकल रहा है? हमारे यहाँ बिरानी होती है, तो बिरानी के अंदर हमारे यहाँ 33-34% ही तेल रहता है बिरानी के अंदर। तो अब की बार ये सरसों का मार्केट है, जैसे जो पैदावार है
पिछले बार से अधिक होगी या कम, क्या जो आपको जो मार्केट दिख रहा है आने वाले दिनों में सरसों का मार्केट तेज होगा या कम? तेज होने की संभावना है। तेज होने की संभावना कब तक? अगले दो महीने में। दो महीने तेज है सरसों की। इस बार फसलें ओलावृष्टि के कारण खराब हो गई है और अभी तो भाव काफ़ी मंदे चल रहे हैं, 47-48 सौ की रेंज में बिक रहा है वीरानी सरसों। आने वाले दिनों में तेजी की संभावना है। आने वाले दिनों में तेजी, कितनी तेजी हो सकती है? तेजी तो 25-30% की तेजी की संभावनाएं हैं।